the supply of labor the income layer trade off so dear students today we will we'll discuss the topic of labor supply as you know from the previous module that labor demand is determined by the firm actually the demand of the output of the firm it determines that how much labor the firm will hire बट द लेबर सप्लाई इज डिटर्मेंड बाय द इंडिविजुअल इन द वर्किंग ग्रुप वर्किंग ग्रुप से मुराद ये है पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक एनी पर्सन हु इज़ अबव टेन ईयर्स ऑफ एज इज कंसिडर्ड इन दिस वर्किंग एज ग्रुप सो लेबर सप्लाई जो है वो वर्किंग एज ग्रुप्स के इंडिविजुअल्स जो हैं वो वो डिटर्मन करते हैं हर इंडिविजुअल के पास टोटल टाइम एंडाउमेंट जो है उसको वो दो हिस्सों में डिवाइड करता है बिटवीन वर्क एंड लयर वर्क से मुराद हमारी ये है कि वो टाइम जो वो यूटिलाइज करता है इन वेज पेइंग सेक्टर्स फॉर एग्जांपल कोई शख्स काम कर रहा है सैलरी के लिए उसका अपना बिजनेस है उसके लिए काम कर रहा है प्रॉफिट के लिए या वो अपने फैमिली बिज़नेस में हेल्प कर रहा है या एग्रीकल्चर सेक्टर में वो अपने फैमिली को एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहा है तो ये तमाम एक्टिविटीज़ कंसिडर की जाती हैं कि वो वर्क काम कर रहा है। वर्क के अपोज़िट दूसरी जो एक्टिविटी है उसको हम डिनोट कर रहे हैं लेयर लेयर से मुराद ये है कि वो वक़्त वो यूटिलाइज करता है अदर देन जॉब एक्टिविटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपने फैमिली के साथ वक्त स्पेंड करता है खाने सोने और बाकी इस तरह की मसरूफियात वक़्त सर्व करता है घर के कामों या बच्चों की निगहदाश्त पर एक खातून वक़्त सर्व करती है तो ये सारी एक्टिविटीज़ को हम लेयर में शुमार करेंगे सो लेबर सप्लाई जो है ये जैसे मैंने बताया कि ये इंडिविजुअल्स जो वर्किंग एज ग्रुप में है वो तय करेंगे कि कितना लेबर सप्लाई करना है इसमें भी बेसिक असूल वही है जो हमने फर्म के हवाले से डिस्कस किया था कि फर्म कितनी लेबर डिमांड करेगी वो वाली जो उसकी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी इसी तरह से इंडिविजुअल्स कितना काम करेंगे इट आल्सो डिपेंड्स ऑन देयर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन बेसिकली वर्क लेयर चॉइस से डिटर्मन होगा यूटिलिटी जो है वो बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है नंबर वन कंजम्पशन और नंबर टू लेयर कंजम्पशन का वर्क के साथ रिलेशनशिप ये है कि कोई शख्स जितना काम करेगा उससे उसकी इनकम डिटरमिन होगी और वो इनकम फिर उसकी कंजम्पशन को डिटरमिन करेगा और जितना वो काम करेगा उतनी ही उसकी लेयर कम हो जाएगी तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये कहते हैं कि इट इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन वर्क एंड लेयर टोटल उसके पास ट्वेंटी फोर आवर्स हैं हम जानते हैं सो ट्वेंटी फोर आवर्स को उसने डिवाइड करना है बिटवीन वर्क एंड लेयर में अगर वर्क ज़्यादा करेगा तो उससे लेयर कम हो जाएगी लेयर को ज़्यादा इंजॉय करना चाहेगा तो उसका फिर काम के लिए वक़्त कम हो जाएगा कॉस्ट बेनिफिट ऑफ वर्किंग यानी ये कैसे डिटर्मन होगा कि उसने कितना काम करना है तो उसमें बेसिक प्रिंसिपल वही है कि वो देखेगा कि काम करने के लिए उसकी कॉस्ट क्या है और उसका बेनिफिट क्या है कॉस्ट से मुराद ये है कि जितना वो वक्त काम पर वेज अर्निंग एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा स्पेंड करेगा उतना ही उसकी लेयर और फुर्सत का वक्त जो है वो कम हो जाएगा फुर्सत से चूँकि उससे यूटिलिटी मिलती है तो इसका मतलब ये है कि काम ज़्यादा होने से फुर्सत कम हो जाएगी और उसकी टोटल यूटिलिटी से मिलने वाली कम हो जाएगी बेनिफिट क्या है काम का बेनिफिट ये है कि उससे उससे इनकम मिलेगी उस इनकम से वो कंजम्पशन इंक्रीज करेगा और उस कंजम्पशन से उसे यूटिलिटी मिलेगी तो काम की कॉस्ट ये है कि यूटिलिटी जो पुर्स्त से मिलनी है वो कम हो जाएगी और कंजम्पशन से मिलने वाली यूटिलिटी बढ़ जाएगी सो so, इस बात का फैसला कि वो काम करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा कि उसका बेनिफिट ज़्यादा है या उसकी कॉस्ट ज़्यादा है जब तक बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा होगा उस वक़्त तक वो काम करता चला जाएगा और जब वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस वक्त वो काम वहाँ पर मज़ीद करना बंद कर देगा सो so, रूल वही है जो इकनॉमिक्स में हम डिस्कस करते चले आएँ कि मार्जिनल बेनिफिट should be equal to the marginal cost.